फाइनली स्कॉडा इंडिया ने अपनी सब 4 मीटर SUV यानी कि स्कॉडा काइलैक को लॉन्च कर दिया है। और इसके एक्सशोरूम प्राइसेस क्या है, वेल वो एंड में बताऊंगा। और ये स्कॉडा की अभी तक की सबसे छोटी SUV है जो फॉलो करती है ब्रांड की लेटेस्ट मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज को, इसलिए इसमें आपको फ्रंट लाइटिंग सेटअप के चारों तरफ क्लीन लाइंस मिलती है। और आजकल के ट्रेंड के हिसाब से इसको स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिलता है जिसमें ऊपर आपको LED DRLs मिलते हैं और नीचे है आपका LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। बीच में स्लिम स्कॉडा ग्रिल है और बोनेट पे प्रोनाउंस्ड क्रीजेस हैं जिससे इसको काफी मस्कुलर लुक भी मिलता है। फ्रंट बंपर में काफी अच्छे से क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट इसको फ्रंट में 2-टोन अपीयरेंस मिलती है और नीचे आपको जो स्पॉइलर मिलता है वो एल्यूमिनियम लुक में है जिससे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी ऐड होता है। फ्रंट व्यू से देखने में काफी लोग इसको कुशाक का अपडेट भी समझ सकते हैं, लेकिन जब आप साइड प्रोफाइल में आएंगे तब आपको क्लियर डिफरेंसेस पता चलेंगे। सबसे पहले तो जो इसका व्हील बेस है वो लगभग 2566 mm का है, जिसका मतलब वो 85 mm छोटा है कुशाक से, और इसकी ओवरऑल लेंथ है 3995 mm की, जिसका मतलब ये कि ये साइड प्रोफाइल से ये आपको काफी छोटी लगेगी इफ वी कंपेयर इट विद द कुशाक, लेकिन ये काफी वेल प्रोपोर्शनड है। ग्राउंड क्लियरेंस यू आस्क 189 mm जो कि काफी सफिशिएंट है। काइलैक के टॉप वेरिएंट में आपको 17 इंच रिम्स मिलेंगे, ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल रही है, नीचे डोर बेस पे आपको बॉडी क्लैडिंग मिल रही है, और वैसे तो डोर्स पे जो लाइंस है वो काफी सिंपल है, लेकिन आपको शोल्डर लाइन पे काफी अच्छा फ्लेयर मिलता है जिस वजह से जो सी पिलर है और जो टेल लैंप्स है वो काफी थिक लगते हैं। नाउ इन स्क्वायर्ड आउट टेल लैंप्स पे अगर आप ध्यान दोगे इनको डिस्टिंक्टिव डी शेप्ड लाइटिंग सिग्नेचर भी मिला हुआ है। रियर टेल लैंप्स वैसे तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बीच में आपको ये डार्क एप्लीक मिलता है जिसमें स्कॉडा लिखा हुआ है। रियर बंपर को भी काफी थिक क्लैडिंग दी गई है। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, क्या ये थोड़ा सा ओवरडन कर दिया स्कॉडा ने। अब जैसे ही आप काइलैक के अंदर बैठोगे तो ये आपको कुशाक से काफी हद तक मिलता जुलता लगेगा। जो डैशबोर्ड है उसका लेआउट काफी सिमिलर है, जैसे कि आपको साइड में वेंट्स मिलते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल पैनल भी सेम है, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, 8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और ये 10-इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी शेयर करती है, लेकिन इसमें आपको नया स्लीकर ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स काइलैक में आपको सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि सनरूफ आपको मिलती है, कीलेस एंट्री, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, साथ में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी है, और फ्रंट दोनों सीट्स में वेंटिलेशन भी है। और हाँ, काइलैक में जो फ्रंट दोनों सीट्स हैं वो पावर्ड भी है। ओवरऑल कैबिन का स्पेस भी काफी वेल थॉट आउट है, आपको डोर्स पे डिसेंट साइज बोतल होल्डर्स मिलते हैं, जो ग्लव बॉक्स है उसका साइज भी अच्छा है और वो कूल्ड भी है, और जो कप होल्डर्स है वो भी काफी इजी टू एक्सेस है। और हाँ, यहाँ फ्रंट में आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है। कुछ दिखती है इसकी सेकंड रो सीट और थर्ड साउंड काफी अच्छी है, और यहाँ पे आपको कंफर्ट और स्पेस वाइज किसी तरह की कंप्लेंट नहीं होने वाली। नाउ ऑब्वियसली ये कुशाक जितनी लंबी नहीं है तो उतना ज्यादा लेग रूम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ नी रूम की आपको कोई कमी नहीं होगी, ये अभी मेरे हिसाब से सेट है। हेड रूम की आपको कोई कमी नहीं होगी, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट तो मिल ही रहा है, अंडर थाई सपोर्ट आप देख सकते हो, इट्स क्वाइट नाइस, और डोर बिन्स भी अच्छे खासे बड़े हैं। हाँ, हालांकि ये है कि अगर कोई ज्यादा हाइट वाला व्यक्ति होगा तो उसका हेड यहाँ पे रब हो सकता है, और जो रिक्लाइन एंगल है सीट का वो भी काफी अच्छा है। तीनों ही पैसेंजर्स को अपने हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल है, और जैसा मैं बता चुका हूँ कि आर्मरेस्ट तो यहाँ पे है जिसमें आपको कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं, रियर एसी वेंट है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं आपके लिए, और जो विंडोज हैं वो भी काफ़ी अच्छी नाइस एंड वाइड है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसकी डिलीवरीज कब से शुरू होने वाली है, तो बुकिंग स्टार्ट होगी 2nd December से और 27th January से इसकी डिलीवरीज शुरू हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द एरिया जहां पे काइलैक आपको काफी ज्यादा इंप्रेस करेगी, वो है इसका लगेज रूम, क्योंकि बूट की कैपेसिटी बेस्ट इन क्लास है 446 लीटर्स की, और इसकी शेप भी काफी अच्छी है तो बड़े सूट केसेस को बड़ी इजीली अकोमोडेट कर लेगी। सेफ्टी वाइज इसमें आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक और ISO फिक्स पॉइंट्स फॉर चाइल्ड सीट, और बाकी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। काइलैक में आपको सिर्फ एक इंजन का ऑप्शन मिलेगा जो है VW ग्रुप का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो डेवलप करता है 115 हॉर्स पावर एंड 178 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क थैंक्स टू टर्बो चार्जिंग एंड डायरेक्ट इंजेक्शन, और इसके साथ आपको ऑप्शन मिलेगा एक 6-स्पीड मैनुअल या फिर 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का। और स्कॉडा क्लेम करती है कि काइलैक 0-100 तक 10.5 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट हो सकती है। नाउ ये क्लेम है जो कि हम टेस्ट करेंगे, तो मेक श्योर कि आप लोग वो वीडियो मिस ना कर दे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से। और हाँ, साथ में हम इसकी फ्यूल इकोनॉमी का टेस्ट भी करेंगे। लास्टली इसके प्राइसेस की बात भी कर लेते हैं, तो अभी फुल प्राइस रेंज तो रिवील नहीं हुई है, लेकिन इंट्रोडक्टरी एक्सशोरूम प्राइसेस बेस मॉडल के रिवील कर दिए स्कॉडा ने, जो शुरू हो रहे हैं 7.89 लाख रुपीज से। अब आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।